हाय गाइस, वेलकम टू लाइफस्टाइल बाय मुनज़्ज़ा एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। सो अभी 4 बज चुके हैं दोपहर के, और अभी हम फारिग हुए हैं सारी कुकिंग से, गोश्त संभालने से। जनरली मेरे घर पे हम लोग जो कुर्बानी है वो अपने गांव में करते हैं, और फिर हम जितना हमारे हिस्से का गोश्त वगैरह होता है वो हम यहाँ ले आते हैं। इस दफ़ा खैर हम में से, क्योंकि मेरी फैमिली में हम काफ़ी लोग कुर्बानी करते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर वर्किंग पीपल, तो कुछ हमने एक दो लोगों ने यहाँ पे भी की है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा चीज़ें संभालने वाली थी। एंड यू कैन सी कि आई एम नॉट इवन रेडी। तो अभी मैं जल्दी से तैयार हूँगी, मैंने कुछ भी सारा दिन से नहीं खाया। मटन, आई थिंक मेरी बहन ने मटन बनाया है, उसने कबाब बनाए हैं, आई शो यू ऑल दैट परहैप्स। लेकिन आई डोंट ईट यू नो बीफ और एनीथिंग, मुझे वैसे ही मीट इतना पसंद नहीं है। तो शी हैज़ आई थिंक मेड फ्रूट चाट इज़ वेल, तो मैं वो खाऊंगी, और अभी जल्दी से मैं रेडी होती हूँ। मैं बहुत थोड़ा सा रेडी होंगी, बट या लेट्स डू। अच्छा, मैं थोड़ा सा मेकअप करूँगी क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, और फॉर सम रीज़न इस दफ़ा मौसम बेहतर हुआ ही नहीं है। मुझे मैंने जब वेदर फोरकास्ट पढ़ी थी तो उस पर था कि ईद पर मौसम बेहतर होगा, बट इट डिडंट गेट बेटर। तो मैं सबसे पहले ये थोड़ा सा सीरम लगाऊंगी, इससे जो मेरी स्किन है वो बहुत स्मूथ हो जाती है, और फिर वो बहुत अच्छा अप्लाई होती है, फाउंडेशन या कोई भी बीबी क्रीम है। हालांकि इससे ग्रीजी तो हो जाती है, और ये भी प्रॉब्लम होता है कि फिर स्वेटिंग ज़रा ज़्यादा होती है। उसके लिए फिर मैं मेकअप स्प्रे लगा लूँगी। आई डोंट नो कि सेलिब्रिटीज़ वगैरह कैसे इतना तैयार होकर, उन्होंने भी बाहर पिक्चर्स बनाई होती हैं। खैर, इट्स देयर जॉब पर हैव्स दैट्स वन। अच्छा, जो मैं आपको कह रही थी कि हम गांव में कुर्बानी करते हैं, तो बेसिकली मेरे डैड जाते हैं गांव। हाँ, बेसिकली मेरे डैड जाते हैं गांव और कुर्बानी वगैरह करते हैं वहाँ पे, जो अपने हमारे गांव वाले रिश्तेदार हैं उनसे मिलते हैं। 10 साल पहले तक हम भी जाते थे, बट देन यू नो दीज कॉमन फैमिली इशूज़ एंड ऑल दैट, हम नहीं जाते। हालाँकि हमारा गाँव बहुत खूबसूरत है, पहाड़ों के बीच में है, तो खैर, बट वी डोंट गो देयर एनी मोर। चले, मैं अब फास्ट फॉरवर्ड पे लगाती हूँ, फास्ट फॉरवर्ड पे नहीं, टाइम लैप्स पे लगाती हूँ मेकअप अपना, और जल्दी जल्दी से हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके गाइस, तो ये मेरा मेकअप लुक है फाइनल, और मैंने बहुत लाइट सा मेकअप किया है, थोड़ा सा इसको शिमरी रखा है, और अभी मैं अपने बाल बनाऊंगी सिंपल, आई थिंक स्ट्रेट करूंगी परहैप्स, और बस जल्दी से ड्रेस चेंज करती हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ओके, तो ये मेरी फाइनल लुक है, काफ़ी सिंपल सी है बट आई काइंड लाइक इट। सॉरी फॉर ऑल द थिंग्स जो पीछे पड़ी हैं, दिस इज़ माई लुक। मुझे वैसे अपना दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे मेरा दुपट्टा।
अच्छा, तो ये अभी हम बेबी फोटोग्राफी कर रहे हैं और इस तरह से हमने फ्लावर्स वगैरह रखे हैं, उसके रैटल्स रखे हैं और हमारा बेबी जो है बड़े मज़े से सो रहा है। तो वील ट्राई कि और भी डिज़ाइंस बनाएं, फिर मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी। अच्छा, तो अभी खाने का टाइम है और ज़्यादातर जैसे पाकिस्तानी घर होते हैं कि ईद के दिनों में, या एटलीस्ट मेरा घर ऐसे है कि ईद के दिनों में सुबह शाम दोपहर मटन या बीफ ही बन रहा होता है। और आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे जिनके बारे में मीम्स होती हैं कि दे डोंट ईट मटन और बीफ। सो आई कांट ईट मटन और बीफ अनलेस वो एक फास्ट फूड के अंदर हो, तो फिर आई कैन टॉलरेट इट, स्टिल आई डोंट लाइक इट। मुझे चिकन फिर भी बेहतर लगता है, आई एम नॉट अ मीट पर्सन एट ऑल। तो लास्ट 3 डेज से मैं क्या खा रही हूँ आपको दिखाती हूँ। दिस ब्रेड एंड देन विद आइदर योगर्ट और यू नो ऑमलेट, एंड लिटरली आई एट द सेम फॉर डिनर। तो आई जस्ट कांट यू नो ईट बीफ और मटन। वी आर ईटिंग सो वी कैन टॉक एज वेल। तो एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि मैंने बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं जो फीमेल रिलेटेड होते हैं, यानी विमेन ग्रुप्स होते हैं। आई थिंक ज़्यादातर लोगों को पता होगा। आई वंडर कि लड़कों के भी होते हैं ऐसे ग्रुप या नहीं, और उनमें क्या बातें होती होंगी, क्योंकि फॉर सम रीज़न आई फील कि वो लोग बहुत ही कोई अजीब बातें करते होंगे। खैर, तो मैंने बहुत सारे लड़कियों वाले ग्रुप्स ज्वाइन किए, लिटरली आई एम थिंकिंग टू क्विट देम ऑल, नॉट बिकॉज दे आर अ बैड प्लेस, दे आर रियली अ गुड प्लेस, बट इतनी ज़्यादा ट्रैजिक स्टोरीज पढ़ने को मिलती हैं लड़कियों की, औरतों की, कि इट ब्रेक्स माई हार्ट एंड लिटरली इट काइंड ऑफ पुट्स मी इन अ वेरी बैड और सैड मूड। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, रात को मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी वहाँ, excuse me I have to take you know the food as well। अच्छा, तो रात को मैं एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें एक लड़की ने लिखा हुआ था कि शी इज़ फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली लेकिन शी इज़ लुकिंग फॉर अ साइकाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट ऑनलाइन, और शी वॉज सेइंग कि मैं बहुत अच्छे वेल ऑफ फैमिली से हूँ, आई कैन पे यू एज वेल, लेकिन बस मैं अपनी फैमिली को नहीं पता चलने देना चाहती कि मैं मुझे कोई शी रोड के उसको लगता है कि उसको कोई साइकोलॉजिकल इशू है, और जिस तरह उसने बताया मुझे लगता है कि शी वॉज आइदर शी वॉज सम वॉट यू नो बाइपोलर एंड शिज़ोफ्रेनिक, जो उसने अपने थोड़े बहुत सिम्टम्स लिखे। और शी रोड कि मैं अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं कर सकती, दे विल नॉट बी सपोर्टिव एट ऑल, शी नोज एंड ऑल दैट, सो शी वॉज लुकिंग फॉर सम ऑनलाइन हेल्प एंड शी हैड मनी एज वेल, लेकिन इट ब्रोक माई हार्ट कि आई मीन दिस इज़ नॉट समथिंग एन ईवल थिंग और एनी थिंग रॉन्ग दैट शी हैज़ डन, इट्स जस्ट दैट दिस इज हैपनिंग टू हर। और अगर आप अपनी फैमिली से भी शेयर नहीं कर सकते तो आई मीन हु वुड यू शेयर इट विद, मतलब अगर आपकी आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको पैदा किए वही आपको इतनी स्पेस, लिसनिंग स्पेस नहीं दे रहे, तो फिर आई मीन आई डोंट गेट इट दैट इफ दे वॉन्ट अंडरस्टैंड यू who would, so then you know a lot of girls gave her some numbers and stuff, but in my opinion therapy ke liye behtar ho ke koi face to face hi mile, I don't know but I think so, jitna maine movies wagaira mein dekha hai, to is tarah ki bahut si cheeze wahan padhne ko milti hain, ladkiyan bahut hi mushkil waqt se guzar rahi hain। और पहले मैं बहुत ही गुस्सा होती थी कि हमारे ड्रामास जो हैं सास बहू के बारे में क्यों होते हैं, अभी भी मुझे खैर ये टॉपिक तो बुरा ही लगता है, लेकिन अगर आप उन फीमेल ग्रुप्स में हो तो आपको पता चले कि 90% लड़कियों का मसला भी यही है, यानी हर कोई ये लिख रहा होता है मेरी सास ये करती है, मेरे हस्बैंड ये करते हैं। सो इट ब्रेक्स माई हार्ट बिकॉज माई फ्रेंड्स हू आर फ्रॉम अदर कंट्रीज़ they really enjoy their relationships, I mean they do have
हार्डशिप्स, उनके भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत से लोग ब्रेकअप भी करते हैं, बट इवन ब्रेकअप का कल्चर भी मुझे वहाँ पे इसलिए अच्छा लगता है कि दे हैव एन आउट फ्रॉम द रिलेशनशिप. उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इफ़ दे डोंट लाइक रिलेशनशिप दे कैन मूव आउट. हमारे यहाँ तो होता है कि भाई तुम बंद गए, अब मरना भी इसी के साथ है, चाहे पसंद हो ना हो. तो अदरवाइज दे इन्जॉय एवरीथिंग. यहाँ पे तो मेरी अभी एक फ्रेंड है, शी इज 7 months प्रेग्नेंट, तो वो बड़ी उसकी क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी है, शी हैज़ अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड ऑल दैट. तो मैंने उससे कहा तुम अपने हस्बैंड के साथ शेयर करो अपनी एंग्जाइटी, यू नो ही इज़ योर पार्टनर, सो ही गिव यू सम गुड, यू नो, एडवाइस और सम गुड वर्ड्स फॉर सपोर्ट. सो शी सेड के मैं तो अपने मियाँ को जब भी कहती हूँ तो वो कहते हैं तुम पहली औरत थोड़ी हो जो पैदा कर रही है. आई मीन इतना मुझे ये ऑफेंसिव वर्ड लगता है कि ये क्या बात हुई, पहली नहीं है, चाहे बिलियंस ने किया हो पैदा, बिलियंस ने मुश्किल से ही किया. तो बाहर तो एज आई सी इन मूवीज एज वेल, इतना वो वैल्यू करते हैं इस टाइम को. हमारे यहाँ तो हर चीज़ ही बस मुकाबला है. आई डोंट नो, इट जस्ट ब्रेक्स माई हार्ट. कल मैंने फूड चाट बनाई थी थोड़ी सी ज़्यादा, और सारा दिन मैंने वही खाई थी, और अब मैंने ये ब्रेड खा लिया. शाम को मैं मे बी नूडल्स बनाऊँ, क्योंकि हालांकि आई डिड टेल माई मदर कि मुझे सब्जी बनाने दें सबके लिए, बट शी सेड नो, मीट ही बनेगा. असल में एक लिहाज से तो अच्छा है, क्योंकि मैंने सुना है कि कुर्बानी के गोश्त को 11 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, और वैसे भी मेरे घर वाले नहीं मानते. अदरवाइज आई बिलीव कि जब आप कुर्बानी करते हैं तो आपको 90% मीट बांट देना चाहिए. मतलब हम लोग सारा सारी खा सकते हैं. सो आई एम जस्ट टेकिंग सम टी. आज मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, बस मुनासिब सा है, सो दिस इज़ वाई आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव सम ब्लैक टी. और हम लोगों को मैंने एक मंगवाया था अपनी बहन के लिए, जिसको गोरिल्ला स्टैंड आई गेस कहते हैं, तो वो भी हमें मिला, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ. उसके साथ ये इस तरह के बॉक्स में आया था, दराज से हमने मंगवाया, तो ये मोबाइल स्टैंड है उसके साथ, और ये गोरिल्ला स्टैंड है इस तरह का. ये मेरा नहीं है, मेरी बहन का है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देती हूँ, इस तरह है. और ये इस तरह फोल्ड भी हो जाता है, और यूजुअली ये वाले जो होते हैं मूव नहीं करते, लेकिन इन्होंने जो भेजा है जहाँ से हमने मंगवाया है वो ऐसे ये मूव भी हो जाता है, ये वाला इसका हेड जो है. और ये क्योंकि एडजस्टेबल है, आप ये जो इसकी लेग्स है ना, ये हटा भी सकते हैं, तो अगर कोई परहैप्स टूट जाए या क्या, तो इन्होंने ये एक एक्स्ट्रा लेग भी इसकी भेजी है. तो ये हमने मंगवाया था, ये आया है 332 का, और इसकी शॉप का नाम है फजल कादिर्स, पता नहीं सेलर का, खैर यहाँ नाम सही नहीं लिखा हुआ. तो ये खैर दराज से मंगवाया, ये 332 रुपीज़ का आया है. तो अगर आप में से किसी ने लेना हो तो आई डोंट नो, इसको हमने यूज़ नहीं किया तो मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकती, बट दिस इज़ द गोरिल्ला ट्राइपॉड स्टैंड. सो आई एम गोना एंजॉय माय टी, और फिर उसके बाद मुझे एक तो यूट्यूब वीडियोज़ शूट करनी है, फॉर एक नया ब्लो ड्रायर लिया है उसकी, उसका रिव्यू करना है, और कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें नहीं है उसका भी रिव्यू करना है.